17 foreigners from Kyrgyzstan have been jailed in Bihar after Patna police lodged FIR against them for violating the norms and rules of tourist visa. Patna District Magistrate Kumar, Ravi told leading media that the foreigners have already been sent to Beur Central Jail in Patna. All the Kyrgyzstan nationals had attended the Tablighi Jamaat event that took place in Delhi's coronavirus hotspot Nizamuddin Markaz. The passports of these foreigners have been detained by police after the attendees were found roaming around in Digha and Fulwa Sharif area on March 23. All of these 17 foreign preachers were tested COVID-19 negative but were placed under quarantine. After the procedure, they have now been sent to judicial custody. तो आप लोग पिछले महीने 23 तारीख को दो जगह पर दीघा में और फुलवारी में कुल 17 विदेशी पकड़े गए थे. किर्गिस्तान का पासपोर्ट उनके पास था. सभी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे और शुरू में उन लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया था और उन लोगों को प्रिलिमिनरी जांच कराया गया था एम्स में कोरोना के लिए और कोई सिम्टम नहीं पाया गया था तो डॉक्टरों ने उनको सलाह दी थी क्वारंटाइन के लिए. उसके बाद से जब अचानक से कुछ तबलीगी जमात के लोगों की दूसरे राज्यों में मृत्यु हुई थी और कोरोना से मृत्यु हुई थी उसके बाद हम लोगों को निर्देश हुआ था कि इनका भी कोरोना जाँच कराना है. इन सभी का कोरोना जांच कराया गया था. प्रॉपर सैंपल लेके रिम्स में इनका जांच हुआ था आरएमआई में. उसके बाद उसमें कोरोना नेगेटिव आया था और अभी इन लोगों पे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है एमएचए के गाइडलाइन के हिसाब से. उसमें ये लोग टूरिस्ट वीज़ा पे थे और इन लोगों ने अपने बयान में बताया था कि ये लोग डिफरेंट धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे और धार्मिक जमातों में पार्टिसिपेट कर रहे थे और रिलीजियस प्रीचिंग्स में हिस्सा ले रहे थे जो कि वीज़ा के कंडीशन का उल्लंघन है. तो सेक्शन 14B फॉरनर्स एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया और इन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है. फिलहाल ये लोग जेल चले गए हैं. पुलिस को जानकारी दी लोगों ने कि फॉर्म सी रिएक्ट होता है पूरी फॉर्म सी मैंडेटरी होता है बट वो पिनल सेक्शन नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है. लेकिन इन्होंने वीज़ा जो टर्म्स है उसके गाइडलाइंस का वायलेशन किया है इसलिए सेक्शन 14B में एफआईआर दर्ज किया गया. Union Home Ministry has already blacklisted and cancelled the tourist visas of 960 foreign Tablighi Jamaat members for violating visa conditions by engaging in missionary activities while in India. News Desk.